कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, सदानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहां से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहां से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सबदूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया, अब आ तो गया पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई, मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, ये शिव कह रहे हैं।